हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। मैंने लास्ट 2010 से 22 तक के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, उन प्रीवियस ईयर पेपर के ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। फिर हर एक यूनिट वाइज जो अलग अलग बुक्स के ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए भी 32 out of 32, मतलब 32 में से 32 ऐसा एक प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए हैं लास्ट ईयर के, वो आप लोगों ने देखे होंगे। बच्चों, उसमें लास्ट की जो दो यूनिट है हमारी, रोकड़ प्रवाह विवरण और लेखांकन अनुपात, ये हमारी छुट्टी हुई है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आप लोगों के पास समय हो तो आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखिए, निम्न में से कौन रोकड़ बहिर्वाह नहीं है। अब देखिए, रोकड़ अंतर्वाह मतलब रोकड़ का व्यापार में आना, और बहिर्वाह मतलब रोकड़ का व्यापार से जाना। अब ये बोल रहे हैं कि रोकड़ का बहिर्वाह नहीं है, कि रोकड़ बाहर नहीं जा रही है। निम्न में से कौन रोकड़ का बहिर्वाह नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें देखना है लेनदारों में वृद्धि। लेनदारों में वृद्धि रोकड़ का अंतर्वाह है, बहिर्वाह नहीं है मतलब रोकड़ का अंतर्वाह होगा। स्कंद में वृद्धि रोकड़ का बहिर्वाह है, पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि रोकड़ का बहिर्वाह है। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, लेनदारों में वृद्धि। भाई, आप उधार पैसा लेंगे तो लेनदारों में वृद्धि होगी, इसका मतलब आपका जो रोकड़ का अंतर्वाह हो रहा है वो बहिर्वाह नहीं है। यही पूछा, बहिर्वाह नहीं है, बहिर्वाह नहीं है मतलब रोकड़ जा नहीं रही है, तो क्या हो रहा है, आ रही है। तो कौन सा स्रोत है जिससे रोकड़ आ रही है, लेनदारों में वृद्धि। फिर रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है। भाई, जो रोकड़ प्रवाह विवरण किस पर आधारित है, तो हम देख रहे हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें पैसा आ रहा है और जा रहा है, केवल उस पर ही फोकस किया जा रहा है, केवल कैश पर, रोकड़ पर। तो यहां पर रोकड़ प्रवाह विवरण किस पर आधारित है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ के लेखांकन के रोकड़ पर आधारित है, रोकड़ आधार पर। रोकड़ आधार मतलब जिसमें केवल और केवल कैश को ध्यान दिया जाता है। निम्न में से कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। जैसे अभी हमने देखा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, तो अंतर्वाह देखा था। अब यहां बोला है कि रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, तो बहिर्वाह क्या है, मतलब रोकड़ कौन से माध्यम से बाहर जा रही है। देनदारों में कमी, भाई देनदारों में कमी होगी तो रोकड़ आएगी। ऋण पत्रों का निर्गमन करने से भी रोकड़ आएगी। लेनदारों में कमी, आप लेनदारों में कमी होना मतलब लेनदारों को भुगतान करेंगे तो पैसा आपका जाएगा, मतलब ये बहिर्वाह है। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा सी। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है किससे, अतिरिक्त सूचनाओं से, लाभ अथवा हानि विवरण से, आर्थिक चिट्ठे से, इन सभी से। तो आंसर क्या आएगा, इन सभी से। भाई, चिट्ठे से भी बनाया जाता है ना, लाभ हानि विवरण से बनाया जाता है, अतिरिक्त सूचनाओं से भी बनाया जाता है। फिर है निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है। गैर रोकड़ मद मतलब कि ऐसी मद जो कि जिससे पैसा, भाई गैर रोकड़ मद, पहले तो हम समझ ले, मदें दो प्रकार की होती है, एक रोकड़ मद और दूसरी गैर रोकड़ मद। रोकड़ मद मतलब कैश आइटम जिसमें पैसा खर्च होता है, नगद पैसा। गैर रोकड़ मद जिसमें पैसा खर्च नहीं होता। अब यहां बोला गैर रोकड़ मद नहीं है, नहीं है मतलब कि वो कौन सी मद है, रोकड़ मद है। अब आप यहां ऐसे व्यवहार देखो जिसमें पैसा आया है या गया है, नगद विक्रय में, नगद विक्रय से पैसा आया है, सीधा सीधा आपका आंसर आपको यही मिल गया। ख्याति के अपलेखन में न तो पैसा आया न गया, खास में न तो पैसा आया न गया, डूबत ऋणों के लिए प्रावधान में न पैसा आया न गया, ये सभी गैर रोकड़ मदे हैं, ये तीनों गैर रोकड़ मदे हैं। यहां बोला है गैर रोकड़ मद नहीं है, तो नगद विक्रय गैर रोकड़ मद नहीं है। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है, AS3 से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3, ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको AS3। आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न में से किस लेनदेन से रोकड़ का प्रवाह होगा। भाई, रोकड़ का प्रवाह होना मतलब रोकड़ या तो व्यापार में आना या रोकड़ का व्यापार से जाना, ये प्रवाह। प्रवाह मतलब जैसे पानी का बहाव होता है, तो कहीं से पानी आ रहा है और कहीं जा रहा है, उसको प्रवाह बोलते हैं। तो ऐसे व्यापार में पैसा का आना और पैसे का जाना, ये प्रवाह कहलाता है। तो ऐसे कौन से व्यवहार है, कौन सा लेन देन है जिसे रोकड़ का प्रवाह हुआ है,
बैंक में 40,000 रुपए जमा किया तो इससे कोई प्रवाह नहीं हुआ, आपके जेब का पैसा था, आपने आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, पैसा कहीं नहीं गया। बैंक से 54,000 रुपए का आहरण किया, आपके बैंक अकाउंट में पैसा था, आपने निकाल लिया, तो पैसा कहीं नहीं गया है, आपके पास ही रहा है। मतलब पैसे का अंतर्वाह और बहिर्वाह का मतलब कहीं बाहर जाना, ये तो आपके घर की बात होगी। 25,000 रुपए के विक्रय निवेशों को सममूल्य पर बेच दिया, भाई 25,000 रुपए के निवेश थे उनको आपने बेच दिया, तो बात तो वही की वही रही, आपको न तो पैसा बढ़ा न घटा। 50,000 रुपए पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 10,000 रुपए के लाभ पर बेचा, ये फायदे वाली बात है कि 50,000 रुपए मूल्य की मशीनरी थी जिसको आपने 10,000 रुपए के लाभ पर बेचा, तो ये 10,000 रुपए जो लाभ है ये व्यापार में पैसा आ रहा है, अंतर्वाह है, और ये जो आंसर है कि ये रोकड़ का प्रवाह हुआ। क्लियर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो दिया गया है वो है कि निम्न में से किस लेन देन से रोकड़ प्रवाह होगा। बैंक में 10,000 रुपए जमा किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बैंक से 14,500 आहरण किया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 74,000 रुपए पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 9,000 रुपए घाटे पर बेचा, लॉस हुआ। और 20,000 रुपए 2,00,000 रुपए 9% ऋण पत्रों को शब्दांशों में परिवर्तित किया, वे ऋण पत्रों को शब्दांशों में परिवर्तित कर दिया रोकड़ का, न तो बहिर्वाह हुआ न अंतर्वाह। लेकिन जो सी है इसमें जो नुकसान है कि 74,000 रुपए पुस्तक मूल्य की जो मशीनरी है इसे 9,000 रुपए जो घाटा हुआ है ये आपका रोकड़ का प्रवाह हुआ। फिर है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण क्या है। वित्तीय क्रियाएं, बच्चों रोकड़ प्रवाह विवरण में तीन प्रकार की क्रियाएं होती है, संचालन क्रियाएं, विनियोग क्रियाएं और वित्तीय क्रियाएं। अब मैं बता दूं, संचालन क्रियाएं मतलब व्यापार और लाभहानि, व्यापार के संचालन से संबंधित माल का खरीदना बेचना है ना, ब्याज का मिलना, तो ये सभी संचालन क्रियाएं होती है, आयकर से रिलेटेड ये संचालन क्रियाएं। विनियोग क्रियाओं में आप क्या ध्यान रखेंगे, स्थायी संपत्ति विनियोग, स्थायी संपत्ति का क्रय विक्रय, विनियोगों का क्रय विक्रय, ये सब क्या कहलाता है, विनियोग क्रियाएं। फिर है वित्तीय क्रिया, वित्तीय क्रियाएं अंशों का निर्गमन, उस पर ऋण पत्रों का निर्गमन, फिर बैंक अधिविकर्ष, बैंक से ऋण लेना, ये सभी वित्तीय क्रियाएं कहलाती है। अब यहां बोला वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है लाभांश का भुगतान, विनियोगों पर प्राप्त लाभांश, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त, स्थायी संपत्तियों का क्रय। अब मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, लाभांश का जो भुगतान होता है ये वित्तीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है। विनियोगों पर लाभांश प्राप्त होना, आपने कोई सी कंपनी के शेयर खरीदे हैं उस पर लाभांश प्राप्त हुआ तो ये विनियोग क्रिया है। ये ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ ये संचालन क्रियाएं हैं, और स्थायी संपत्तियों का क्रय ये विनियोग क्रियाएं हैं। स्थायी संपत्ति का क्रय और विक्रय विनियोग, इन्वेस्टमेंट करना, आप चाहे स्थायी संपत्ति खरीदे, किसी कंपनी के अंश खरीदे, ये सभी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है। अंशों का निर्गमन अलग है और अंशों को खरीदना अलग है। अंशों का निर्गमन करना ये वित्तीय क्रिया है, लेकिन किसी कंपनी के आप अंश खरीद रहे हैं ये विनियोग क्रिया है। ये दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। आपने अंश का निर्गमन किया तो ये वित्तीय क्रिया हुई क्योंकि उससे पैसा आ रहा है, लेकिन आपने किसी कंपनी के अंश खरीदे हैं ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, समझ गए। तो अंशों का निर्गमन वित्तीय क्रिया है, लेकिन किसी कंपनी के अंश खरीदना ये विनियोग क्रिया होती है। क्लियर। यहां पर यही है, विनियोगों पर प्राप्त लाभांश, आपने किसी कंपनी के अंश खरीदे थे उस पर आपको लाभांश प्राप्त हुआ है, विनियोग क्रिया हो गई। ग्राहकों से आपको रोकड़ प्राप्त हुई, मतलब आपने माल बेचा और उस ग्राहक से आपको पैसा प्राप्त हुआ, तो ये क्या हुई, संचालन क्रिया। व्यापार का संचालन, संचालन करना मतलब माल खरीदना और बेचना, तो संचालन क्रिया हो गई। स्थायी संपत्ति का क्रय, आपने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी और बेची, ये विनियोग क्रिया हो गई, इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर लाभांश का भुगतान, अब आपने अंशों का निर्गमन किया, लोगों ने अंश खरीदे, अब लोगों ने अंश खरीदे तो उनको क्या मिलेगा, लाभांश मिलेगा, था लाभांश का भुगतान आपको करना पड़ेगा, तो लाभांश का भुगतान करना ये क्या हो गई, वित्तीय क्रिया हो गई। लाभांश का भुगतान वित्तीय क्रिया हो गई, तो आंसर आएगा 9 नंबर का। फिर है निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है, अभी मैंने बताया निवेश क्रियाएं मतलब विनियोग क्रियाएं, निवेश क्रियाओं को ही हम विनियोग क्रियाएं कहते हैं। स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय, विनियोगों का क्रय विक्रय, तो ऋण पत्रों का निर्गमन, पे अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ये सभी वित्तीय क्रियाएं हैं क्योंकि उससे पैसा आपको आएगा। फिर है
दीर्घकालीन ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान, भाई ऋण पत्र यदि आप लेंगे, ऋण पत्र जारी करेंगे, पैसा उनसे लेंगे लोगों से, तो उनका भुगतान भी करना पड़ेगा, तो ये दो वित्तीय क्रियाएं हो गई। कच्चे माल का नगद क्रय, ये संचालन क्रियाएं हो गई। गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनियोगों का क्रय, विनियोगों का विक्रय या क्रय, ये क्या कहलाती है? निवेश क्रियाएं कहलाती है। और हमारा आंसर आ जाएगा डी। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? संचालन क्रिया माल का खरीदना बेचना है ना। ऋण पत्रों का निर्गमन वित्तीय क्रिया। स्थायी संपत्तियों का विक्रय विनियोग क्रिया। स्थायी जमा पर बैंक द्वारा ब्याज देना, आपने एफडी कर दी थी और एफडी पर आपको जो ब्याज मिला है ये आपकी क्या है? संचालन क्रिया है। अंशों का निर्गमन, ये वित्तीय क्रिया है। अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, बैंक से ऋण लेना, ये सभी वित्तीय क्रियाएं हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण की आवश्यकता कौन सी योजना बनाने में होती है? अल्पावधि। रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पावधि के लिए काम में आता है, अल्पावधि की योजना बनाने में काम आता है। रोकड़ का अंतर्वाह होता है, अंतर्वाह मैंने दो बातें बताई, अंतर्वाह मतलब रोकड़ पैसे व्यापार में रोकड़ का आना, और बहिर्वाह मतलब व्यापार से रोकड़ का जाना। तो रोकड़ का अंतर्वाह है, अंशों के निर्गमन से पैसा आएगा, भाई आप अंश निर्गमन करेंगे तो उससे आपके व्यापार में पैसा आएगा, ये अंतर्वाह है। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना एवं प्रस्तुत करना अनिवार्य है, किसके लिए? समस्त सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, जितनी भी कंपनियां कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 2013 के अंतर्गत सूचीबद्ध है, उन सारी कंपनियों को रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य होता है। फिर है गैर रोकड़ मदों का व्यवहार किया जाता है, भाई गैर रोकड़ मदों का व्यवहार कहाँ किया जाता है? संचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना में गैर रोकड़ मदों को जोड़ते हैं, तो गैर रोकड़ मदे जो है संचालन क्रियाओं में गैर रोकड़ मदों को हम क्या करते हैं, हमने वहां पर माइनस कर दिया तो जोड़ा जाता है, गैर रोकड़ आय को हमने जोड़ा है तो घटा दिया जाता है ना। तो संचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना में गैर रोकड़ मदों का व्यवहार किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। देखिए गैर रोकड़ व्यवहार से, गैर रोकड़ व्यवहार देखो उसका नाम ही गैर रोकड़ की जो कि नगद नहीं है, तो गैर रोकड़ व्यवहार से लाभ घटता है किंतु रोकड़ कम नहीं होती है। लाभ घट जाएगा लेकिन रोकड़ कम नहीं होगी। अंशों के निर्गमन से प्राप्त रोकड़ वित्तीय क्रिया है, अभी मैंने बताया था कि अंशों के निर्गमन से ऋण पत्रों के निर्गमन से बैंक से लोन लेने पर आपकी वित्तीय क्रिया है ये। अप्रत्यक्ष विधि से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का प्रारंभ कर पूर्व के लाभ से किया जाता है, कर पूर्व के लाभ से। चालू संपत्ति और चालू दायित्व पर आधिक्य को कार्यशील पूंजी बोलते हैं, ये हम सभी को मालूम है, चालू संपत्ति ऋण चालू दायित्व बराबर कार्यशील पूंजी। विनियोग संबंधी क्रियाओं का संबंध किससे होता है? मैंने बताया था विनियोग मतलब स्थायी संपत्तियों का क्रय और विक्रय, तो विनियोग संबंधी क्रियाओं का संबंध स्थायी संपत्तियों से होता है। संचालन क्रियाएं व्यावसायिक उपक्रम की प्रमुख क्रियाएं होती है, भाई संचालन मतलब व्यापार का संचालन करना, ये प्रमुख क्रियाएं होगी, व्यापार का संचालन नहीं होगा तो आपका कोई सा काम नहीं हो सकता। लेखांकन प्रमाप तीन के अनुसार रोकड़ क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है, भाई लेखांकन प्रमाप तीन के अनुसार जो रोकड़ प्रभाव विवरण है उसमें कितनी प्रकार की क्रियाएं हैं? तीन प्रकार की, संचालन क्रियाएं, विनियोग क्रियाएं और वित्तीय क्रियाएं। सात पर आ गए हम, आगे आठवां है रोकड़ प्रभाव विवरण दर्शाता है रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में ऐतिहासिक परिवर्तन। ऐतिहासिक परिवर्तन क्यों? क्योंकि रोकड़ और रोकड़ तुल्य में कौन सा परिवर्तन हुआ है? आपने चिट्ठा है, लाभ हानि खाता है, इसमें जो परिवर्तन देखे हैं उसी को आप यहां बता रहे हैं, और जो परिवर्तन हो चुका है वो इतिहास है। रोकड़ प्रभाव विवरण में रोकड़ शब्द का आशय रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य से है, एक तो रोकड़ और दूसरा रोकड़ के समान। स्वामी की पूंजी में परिवर्तन वित्तीय क्रिया है, तो मालिक की पूंजी में परिवर्तन से वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह होगा। रोकड़ प्रवाह विवरण खालिस्तान अवधि अल्पावधि भी आया था कि रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पावधि के लिए काम में आता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ का आंतरिक बहाव तथा रोकड़ का बाह्य बहाव दोनों शामिल है। आंतरिक बहाव मतलब व्यापार में पैसा आना, बाह्य बहाव मतलब व्यापार से पैसे का जाना।
रोकड़ बहाव में सम्मिलित क्रियाएं हैं संचालन क्रियाएं, विनियोग क्रियाएं तथा वित्तीय क्रियाएं। ये तीन याद ही रखना, संचालन क्रियाएं, विनियोग क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं। आयकर का भुगतान संचालन क्रियाओं से रिलेटेड है, आयकर का भुगतान संचालन क्रियाओं से रिलेटेड है। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, भाई अंशों का निर्गमन, अंशों का शोधन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का शोधन, ये सभी वित्तीय क्रियाएं होती है, फाइनेंस, ठीक है, वित्तीय क्रियाएं होती है। आगे बढ़ेंगे हम, ऋणों की वसूली को, ऋण की वसूली, आपने ऋणों की वसूली को खालिस्तान क्रिया में शामिल किया जाता है। आपने किसी को ऋण दिया और आप उसकी वसूली करेंगे तो ये विनियोग क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? विनियोग क्रिया। पूर्तिकर्ताओं से स्टॉक का क्रय, माल खरीदना, संचालन क्रिया हो गई। भाई माल से रिलेटेड, माल का खरीदना बेचना, पूर्तिकर्ता मतलब आपको माल सप्लाई करने वाला। लेनदारों में खालिस्तान का परिणाम रोकड़ का स्रोत है, भाई लेनदारों में वृद्धि होना, मतलब आपने किसी से पैसा उधार लिया तो लेनदारों में वृद्धि हुई, उधार लिया लेकिन आपके पास पैसा आया, मतलब रोकड़ का स्रोत है वो। आय की वापसी रोकड़ का स्रोत है, तो आपके पास किसी प्रकार की इनकम आएगी, पैसा आएगा तो रोकड़ का स्रोत है। लेनदारों में कमी रोकड़ का प्रयोग है, तो आपने रोकड़ का प्रयोग करके लेनदारों का भुगतान किया तो आपके पास से पैसा गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सही जोड़ी पर चलेंगे, तो सही जोड़ी में पहली सही जोड़ी आ रही, रोकड़ बैंक में है, ये किसके समान है? ये रोकड़ तुल्य है, रोकड़ बैंक में ये रोकड़ तुल्य है, रोकड़ के समान। भाई आपका पैसा बैंक में है तो वो रोकड़ जैसा है, रोकड़ तुल्य मतलब रोकड़ के जैसा है। पेटेंट एक अमूर्त संपत्ति है, दिखाई नहीं देती। स्थाई संपत्तियों का विक्रय विनियोग क्रिया है, स्थाई संपत्तियों का विक्रय ये गैर संचालन आय कहेंगे उसको, संचालन से रिलेटेड है। माल का खरीदना बेचना संचालन क्रिया है और स्थाई संपत्तियों का विक्रय गैर संचालन क्रिया है। अंशों का निर्गमन वित्तीय क्रिया है, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ये बार बार बोल रहा हूं, ये वित्तीय क्रिया है। लेनदार ये चालू दायित्व कहलाते हैं, लेनदार क्या है? ये चालू दायित्व कहलाते हैं, ये सभी को मालूम है हमें। फिर अगली सही जोड़ी है, स्थाई संपत्तियों का विक्रय गैर संचालन आय, अभी आया था स्थाई संपत्तियों का विक्रय गैर संचालन आय हो गई। संचालन क्रियाएं होती है, संचालन क्रियाएं आय अर्जित करने वाली मुख्य क्रियाएं जिनसे आय होती है, भाई आप माल बेचेंगे तो उससे पैसा आएगा, ये संचालन क्रियाएं हैं। विनियोग संबंधी क्रियाओं में शामिल किया जाता है विनियोग, दीर्घकालीन संपत्तियों तथा स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय, ये विनियोग क्रियाएं हैं, स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय विनियोग क्रियाएं। वित्तीय क्रियाएं स्वामी की पूंजी तथा व्यवसाय के ऋण आकार संरचना में परिवर्तन, ये वित्तीय क्रियाएं, सॉरी, ये वित्तीय क्रियाएं कहलाती है। रोकड़ बैंक में, ये रोकड़ के समान है, रोकड़ बैंक में होना रोकड़ तुल्य कहलाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, एक और सही जोड़ी हमारे सामने, ऋणों की अदायगी, आपने ऋणों का भुगतान किया, ऋणों की अदायगी मतलब ऋणों का भुगतान करना, ये वित्तीय क्रियाएं कहलाती, ऋणों की अदायगी करना। आपने किसी से उधार पैसा लिया था उसको भुगतान कर दिया, ऋण लेना और ऋण का भुगतान करना वित्तीय क्रियाएं। जैसे अंशों का निर्गमन करना, अंशों की राशि वापस लौटाना वित्तीय क्रिया, ऋण पत्र निर्गमन करना, ऋण पत्रों का भुगतान करना वित्तीय क्रिया है, ऋण लेना और ऋण का भुगतान करना वित्तीय क्रिया है। प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन, ये गैर नगद मद है, मतलब प्रारंभिक व्यय का अपलेखन ये किसी प्रकार की रोकड़ क्रिया नहीं है, गैर रोकड़ क्रिया है। विनियोगों के विक्रय पर लाभ हुआ तो ये संचालन क्रियाओं से, संचालन क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ में समायोजन विनियोग क्रिया है। फिर रोकड़ रोकड़ तुल्य ये हो गया, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, प्रतिभूतियों में विनियोग जिस पर कोई मूल्य हानि नहीं, ये रोकड़ और रोकड़ तुल्य है। और लेनदारों में कमी, ये संचालन क्रियाओं से रोकड़ का प्रवाह है, लेनदारों में जो कमी है संचालन क्रियाओं से रोकड़ का प्रवाह है। लेनदारों में वृद्धि होना, लेनदारों में कमी, जितने भी चालू संपत्ति चालू दायित्व में कमी वृद्धि है, ये सभी संचालन क्रियाओं से रिलेटेड होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सत्य सत्य में आ जाएंगे हम,